If you are looking for a quick but lip-smacking curry recipe, then look no further, as you have hit the right play button. So hello my healthy foodie friends and welcome to my channel, Quick and Healthy Bites. Let's prepare this quick and amazing recipe. But before that, subscribe to my YouTube channel and follow me on my Facebook and Instagram page, Quick and Healthy Bites. Do press the bell icon for notifications if you are watching on YouTube. तो इसके लिए एक मिक्सर जार में हम डालेंगे अनियंस अराउंड 2, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, जिंजर हाफ इंच, ग्रीन चिलीज अराउंड 1 एंड गार्लिक अराउंड 6 to 8 पॉड्स। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, इसको बस आप हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल दें। तो ये मैंने अराउंड 100 ग्राम्स कोरिएंडर लीव्स लिया है और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं और हमें इसे एक फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। तो ये हो गया है। अब हम एक पैन में अराउंड 1 टीस्पून घी लेंगे। इट्स अ हेल्दी रेसिपी, यू डोंट नीड मच ऑफ ऑयल और एनीथिंग विच इज़ फैटी। इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया है वो, और हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है एंड अच्छे से आप इसे कुक कर लें। इसका आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा एंड ये जो वाटर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और कुछ और मसाले, जैसे कि टर्मरिक पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर अराउंड 1 टीस्पून एंड कोरिएंडर पाउडर अराउंड 2 टीस्पून, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें थोड़ा इसे अच्छे से कुक करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो कुक हो जाएं। ये देखिए इसका वाटर इवेपोरेट हो गया है एंड जो रॉ स्मेल है वो भी अब नहीं आ रही। जो ऑयल है, जो घी हमने डाला था वो भी दिख रहा है हमें निकलता हुआ। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क अराउंड 1/2 कप एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बॉईल हो जाए ये मिल्क अच्छे से, फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम अराउंड 2 टेबलस्पून एंड इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए आप अच्छे से कुक कर लें। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला अराउंड 1/2 टीस्पून। आप इसमें चिली जो स्पाइसेस है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ऐड रेड चिली आल्सो एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे थोड़ा सा लाइक अ मिनट हम कुक करके हम इसमें डाल देंगे जो पनीर है वो। तो मैंने इसमें फ्रेश पनीर यूज किया है, होममेड पनीर। आप इसमें चाहे तो पोटैटोज ऐड कर सकते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट यू कैन स्किप पनीर एंड यू कैन ऐड वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस। एंड इसे हम अच्छे से जेंटली मिक्स करेंगे बिकॉज पनीर है तो वो टूटे ना। एंड इसे कवर करके अराउंड 2 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम में इसे कुक होने देंगे। तो अराउंड आफ्टर 2 मिनट्स ये हो गया है, इट्स डन। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ क्रश्ड कसूरी मेथी एंड बस इसे एक बार मिक्स कर लें एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो आप देख सकते हैं इट वॉज रियली वेरी सिंपल एंड क्विक। यू कैन प्रिपेयर इट इन नो टाइम एंड यू कैन ऐड वेजीज ऑफ योर चॉइस। सर्व इट विथ लच्छा पराठा और जस्ट प्लेन पराठाज एंड इट टेस्ट रियली यम। So hope you enjoyed the video. Please leave your feedback in the comment section below. Till then, stay safe, eat healthy and enjoy cooking.